Assalamu alaikum, dear students. Today is our matric class lecture number 5 and subject of mathematics. In class, in lecture number 4 and 3, we have done some exercise 1.1. In this lecture, we are going to start exercise number 1.2. So let's start exercise number 1.2. So question number 1 is that given set, मतलब यहाँ पे हमें set मिला हुआ है, एक f a की सूरत पे हमें set मिला हुआ है, दूसरा set मिला हुआ है, b set मिला हुआ है, और वो subset of universal set, a set और b set subset है universal set के, universal set भी हमें मिला हुआ है, a set मिला हुआ है, b set, और दोनों a और b set जो है subset है universal set के, list of the element मतलब following जो number है वो हमें हल करने सबसे पहले a कॉम्प्लीमेंट हल करना है दूसरी साइड b कॉम्प्लीमेंट हल करना है तीसरी तरफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट b हल करना है उसके बाद a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट हल करना है उसके बाद a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट हल करना है उसके बाद a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट उसके बाद यूनियन इंटरसेक्शन u यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ओवर नल सेट वो हमें मालूम कर लिया तो आइए सबसे पहले सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन सबसे पहले पहले हमें मालूम करना है a कॉम्प्लीमेंट तो a कॉम्प्लीमेंट हम कैसे मालूम करते हैं कॉम्प्लीमेंट हमने सेकंड लेक्चर में ये चीज पढ़ी कॉम्प्लीमेंट का मकसद होता है हमेशा u में से सब्ट्रैक्ट करना तो कॉम्प्लीमेंट जैसे हल करेंगे कॉम्प्लीमेंट का मकसद है u में से a सब्ट्रैक्ट करना तो u में से अगर a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें a कॉम्प्लीमेंट मिलेगा तो इसी वजह से u माइनस a करेंगे तो u सबसे पहले u के सेट मेंबर्स लिखेंगे यू के मेंबर्स कौन-कौन से हैं ए है बी है सी है डी है ई है एफ और जी इसी तरह हम लिखेंगे सबसे पहले ए बी सी डी ई एफ और जी ये हमने सेट लिखे उसके बाद इसी तरह माइनस सबट्रैक्ट माइनस होगी उसी के बाद ए होगा ए से जो हमें मिला हुआ है ए से कौन सा मिला हुआ है ये वाला सेट तो ए सेट के मेंबर लिखेंगे एफ ए सी और ई लिखेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट का जो जवाब आएगा ए कॉम्प्लीमेंट अब बराबर हो गया सबट्रैक्ट करेंगे जो एलिमेंट यहां से हम वो सबट्रैक्ट करेंगे एफ यहां पे सबट्रैक्ट हो रहा है ए सबट्रैक्ट हो रहा है सी सबट्रैक्ट हो रहा है उसके बाद ई सबट्रैक्ट हो रहा है जो एलिमेंट सेट पहले में बच जाए वो ए कॉम्प्लीमेंट के जवाब होंगे तो यहां पे बच गया बी बच गया उसके बाद डी बच गया उसके बाद जी बच गया ये जो जवाब आ गया ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट सबसे पहला सॉल्यूशन था ए कॉम्प्लीमेंट हल करना वो हमने ए कॉम्प्लीमेंट का ये जवाब लिखा उसके बाद चलते हैं बी कॉम्प्लीमेंट की तरफ बी कॉम्प्लीमेंट भी इसी तरह होगा नंबर 2 बी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का मकसद भी है यू में से बी सबट्रैक्ट करना है तो यू में से बी सबट्रैक्ट कैसे करेंगे सबसे पहले यू के मेंबर रखेंगे एफ ए सी और ई रखा उसके बाद माइनस अपनी जगह उसके बाद बी से रखा क्योंकि माइनस बी है यहाँ पे बी से रखेंगे ई एफ डी और ई दरमियान एफ सॉरी ई और डी और एफ रखेंगे जी तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब क्या आएगा अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट एफ एफ में सब्ट्रैक्ट हो गया उसके बाद ए सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा उसके बाद दूसरे में सब्ट्रैक्ट ई सब्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे और कोई नहीं तो अब जो जवाब आएगा पहले सेट में जो बचे होंगे एलिमेंट्स वो हम रखेंगे तो जवाब क्या आएगा ए और सी जवाब तो बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब ए होगा सब्ट्रैक्ट याद रखिएगा जहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो तो वहाँ पे पहले मेंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके बाद जो पहले सेट में एलिमेंट्स बच जाए वो हम रखते हैं इसी तरह हम आगे चलते हैं नंबर 3 की तरफ नंबर 3 यहां पे करा बिल्कुल आसान नंबर 3 ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी मकसद सबसे पहले ए से रखेंगे ए से है इसके बराबर एफ ए सी और ई के बराबर इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन अपनी जगह पे उसके बाद बी बी है तो इसके बाद ई जी और डी और एफ रखेंगे तो इन दोनों के एक ही पे है एक जैसे कॉमन एलिमेंट्स हमने रखने एफ एफ कॉमन है यहाँ पे दोनों में है इसी तरह हमने दूसरा ई मिल रहा है ई भी दोनों में है तो हमें
कॉमन एलिमेंट्स जो होंगे इंटरसेक्शन का मकसद है हमेशा कॉमन एलिमेंट्स रखने हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स है एक है एफ उसके बाद है बी। तो ए इंटरसेक्शन का जवाब ये आएगा। इंटरसेक्शन का मकसद याद रखिएगा हमेशा है कॉमन एलिमेंट्स। दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो हमें बाहर निकालने होते हैं। तो एफ और ई दोनों में कॉमन है इसी वजह से इंटरसेक्शन बी बराबर इस सेट के आ गया। इसी तरह आगे चलते हैं दूसरे सेट की तरफ। दूसरे सेट तो आगे नंबर फोर करेंगे। नंबर फोर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे कॉम्प्लीमेंट ऊपर है तो सबसे पहले क्या करेंगे ए यूनियन बी हल करेंगे। ए यूनियन बी मतलब ए सबसे पहले जैसे रखा एफ रखा ए रखा सी रखा ई रखा उसके बाद यूनियन अपनी जगह पे उसके बाद बी रखना है सेट। बी सेट बराबर है इसके ई जी डी और एफ के बराबर है। तो यूनियन का मतलब है तरतीबवार से हमने रखना है। तरतीबवार कैसे रखेंगे तो ए यूनियन बी का जवाब क्या आएगा सबसे पहले ए उसके बाद बी सी सी आएगा उसके बाद डी नहीं है डी है उसके बाद ई है उसके बाद एफ है उसके बाद जी। ये हमने तरतीबवार रखा। उसके बाद सबसे पहले ये ए यूनियन बी है उसके बाद है ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मकसद हमेशा यही होता है कि यू में से सब्ट्रैक्ट करना। अब जो जवाब आया है ए यूनियन बी का वो हम यू में से सब्ट्रैक्ट करेंगे वो हमें फिर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के बराबर आएगा। तो क्या करेंगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी के बराबर आएगा। तो U सबसे पहले U रखेंगे U से हमें क्या बना हुआ है U से A B C उसके बाद D है उसके बाद E है उसके बाद F है और G है। इसी तरह हम माइनस रखेंगे उसके बाद ये से सिंपल रखेंगे A C D E F और G रखा। तो A B C और F और G D रखा ये हम कैसे करेंगे उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे ए ए के साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है सी सी के साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसके बाद डी डी के साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसके बाद ई और ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसके बाद एफ भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है और जी भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अगर देखा जाए तो दोनों सेट में बच गए एलिमेंट्स वो है बी। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यहाँ पे जो जवाब आएगा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का अगर जवाब लिखा जाए तो वो बराबर ए की एलिमेंट है वो बराबर है बी। तो हमने देखा कि सबसे पहले क्या मालूम करना है हमें ए यूनियन बी मालूम कर लिए ए यूनियन बी हमें मालूम तो उसके बाद होल कॉम्प्लीमेंट है उसको यू में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो यू माइनस ए यूनियन बी हमने हल किया तो ये एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो गए जो पहले सेट में एलिमेंट्स बच गए वो बी था। तो जवाब ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का जवाब आ गया वो बी एलिमेंट है। इसी तरह आगे चलते हैं एक और प्रॉब्लम की तरफ। इसी तरह नंबर 5 की तरफ चलते हैं। नंबर 5 कह रहा है एग्जांपल नंबर 5 नंबर 5 है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इसमें सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट हल करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू माइनस बी होता है। यू माइनस बी मतलब यू में से सबसे पहले यू करेंगे ए बी सी डी ई एफ और जी उसके बाद माइनस बी वाला सेट रखेंगे ई जी डी और एफ रखेंगे। उसके बाद जो जवाब आ गया बी कॉम्प्लीमेंट का वो सिंपल वही होगा ई ई में कैंसिल हो गया जी जी सॉरी जी जी में कैंसिल हो गया एफ एफ में कैंसिल हो गया इसी तरह डी डी में कैंसिल हो गया तो जवाब आ गया ए बी सी आ गया। अब बी कॉम्प्लीमेंट हमने हल कर लिया उसके बाद ए करेंगे इंटरसेक्शन के बराबर। तो कैसे करेंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट हमने जो जवाब निकाला ए का जवाब सबसे पहले ए से किसके बराबर था एफ ए सी और ई के बराबर इंटरसेक्शन अपनी जगह पे उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट का जो जवाब ए बी सी आ गया। तो इंटरसेक्शन का मकसद होता है एक जैसे एलिमेंट्स तो ए ए हमने कर लिया उसके बाद और कोई एलिमेंट नहीं है तो इसी तरह इसका जवाब आ गया ए। जो ए जवाब आ गया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब आ गया। इसी तरह आगे चलते हैं आगे और प्रॉब्लम्स।
ये भी इसी तरह होगा। इसी तरह मैं आठवां नंबर आप नंबर ऐड करता हूं, नंबर 6 आपके लिए होमवर्क है, आप बुक करें। इसी तरह होगा नंबर 7 भी। नंबर 8 मैं करता हूं, यूनिवर्सल इंटरसेक्शन नल सेट। तो सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कौन से बराबर है, तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट रखते हैं कि ए बी सी और डी और ई और एफ और जी। उसके बाद इंटरसेक्शन अपनी जगह पे रखेंगे, उसके बाद नल सेट रखेंगे। नल सेट इसी तरह रखें या अपनी निशानी देखो, आपकी आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह रखते हैं। ये नल सेट रख लिया, तो नल सेट के हिसाब से इंटरसेक्शन अगर किया जाए, यहाँ पे कोई एलिमेंट मौजूद नहीं, इस सेट के साथ अगर नल सेट की जाए तो जवाब आगे नल सेट आएगा। तो ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट और इंटरसेक्शन करें हमने नल सेट से, तो एक जैसे दोनों में एलिमेंट्स कोई मौजूद नहीं, तो इसी तरह नल सेट इस सेट का जवाब है। तो इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने सॉल्व कर लिया। जो प्रॉब्लम रहते हैं बताए आपके लिए होमवर्क है, वो आप खुद करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। सबसे पहले गिवन सेट ए सच दैट ए इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, मतलब यहां पे हमें x सच दैट x पॉजिटिव इंटीजर्स मिले हैं। सेट ए हमें मिला है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेट ए रखेंगे। सेट ए बराबर किसके होता है, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10, मतलब 10 से कम हमें इवन नंबर्स रखने हैं। 10 से कम इवन नंबर कौन-कौन से, सबसे पहले 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, ये नंबर्स आते हैं। उसके बाद b सेट है x सच दैट इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेस देन 10, मतलब 10 से कम है लेस देन पॉजिटिव इंटीजर। तो 10 से कम कैसे करेंगे, b सेट आ गया ऑड इंटीजर है पॉजिटिव, पॉजिटिव ऑड है, तो 1 सबसे पहले रखेंगे, 3 रखेंगे, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, उसके बाद 9 आएगा, तो b सेट हो गया। उसके बाद और सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, मतलब यूनिवर्सल दोनों जो सेट हैं सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट के। तो यूनिवर्सल सेट कैसे, कहां तक कि x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, मतलब 10 से कम है, 10 से लेस देन है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 10 तक रखेंगे। ऑल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो यूनिवर्सल सेट किसके बराबर आ जाएगा, u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब 9 तक में लेस देन 9 तक रखने। उसके बाद सबसे पहले हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी, तो चलते हैं ए यूनियन बी की तरफ। सबसे पहले ए यूनियन बी होल का प्रॉब्लम, तो हमने देखा सबसे पहले हमने क्या कहा था ए यूनियन बी, तो सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट हल करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी के बराबर आ जाएगा। यू बराबर किसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, उसके बाद माइनस अपनी जगह, उसके बाद माइनस बी है, तो माइनस बी से रखेंगे 1 3 5 7 और 9, तो 1 3 5 4 7 9 किस तरह हम करेंगे, तो सबसे पहले 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 वो सारे हल कर लिए, जो जवाब आ गया वो आ गया 2 4 और 6 जवाब आ गए। ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट, इसी तरह ए करेंगे यूनियन करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो a बराबर किसके होगा 2 4 और 6 के, 2 4 6 और 8 के, तो यहां पे 8 भी बच जाएगा, तो इसी तरह यहां पे 8 भी आएगा। उसके बाद यूनियन यूनियन, उसके बाद b कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट का जो जवाब आ रहा है वो रखेंगे 2 4 6 और 8, 2 4 6 8 रखिए, इसके हिसाब से हमने अब 30 बार u के हिसाब से 30 बार हमें एलिमेंट्स रखने, तो कैसे रखेंगे 2 4 6 और 8, दो बार रिपीटेशन में सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होती है, हमें पढ़ी है, तो इस वजह से हमने दो दो एलिमेंट से मगर एक बार रखना है सेट में। तो सबसे पहला प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया ए यूनियन बी और काम करना, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो इसी तरह नंबर 2 प्रॉब्लम, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट,
ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसमें से सबसे पहले क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट हल करेंगे, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट हल करेंगे, जो जवाब दोनों का आएगा दोनों के कॉमन एलिमेंट्स निकालने के। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद करें, इसी तरह होगा ये प्रॉब्लम। तो मैं नंबर 12 करता हूं आपके लिए। नंबर 12 ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ए सेट है, ए के एलिमेंट्स रखेंगे 2, 4, 6 और 8। इसी तरह बी के सेट भी रखेंगे, बी के टर्म्स है 1, 3, 5 और 7 और 9। तो यहाँ पे एलिमेंट्स कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं, कोई भी एलिमेंट कैंसिल नहीं हो रहा। इस सेट इस निशानी का ये मतलब है, जो पहले कैंसिल करेंगे, अगर कैंसिल होते हैं दोनों सेट के एलिमेंट्स, अगर कैंसिल नहीं होते या कैंसिल होते हैं या नहीं होते, तो जवाब में जो सेट बच जाएंगे पहले सेट और दूसरे सेट दोनों के जो बचे हुए एलिमेंट्स होंगे वो हम रखेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे कैंसिल कोई भी एलिमेंट कैंसिल नहीं हो रहा। इसी तरह माइनस की निशानी में पहले सेट के एलिमेंट्स जो बच जाते हैं वो रखते हैं, मगर इस निशानी जब ये निशानी आती है तो दोनों सेट के बचे हुए एलिमेंट्स होते हैं वो हमने रखने होते हैं। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कैंसिल नहीं हो रहा, इस वजह से हम क्या करेंगे, दोनों को तो सबसे पहले 1 आता है, 2 आता है, उसके बाद 3 और 4, 5, 5, 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9। तो ए कॉम्प्लीमेंट ए और बी के जो जवाब आ गया 1, 3 और 4, 5, 6, 7 और 8 आ गया 9 हो। तो ये जवाब आ गया ए ट्राइंगल बी, इसका जवाब आ गया। इसी तरह ये भी एक सेट है नंबर 13, नंबर 13 में इसी तरह होगा ए माइनस बी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी के बराबर आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसी तरह माइनस करेंगे, माइनस जो बी का है 1, 3, 5, 7 और 9। तो क्या करेंगे, 1, 3, 5, 4, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9। तो जो जवाब आ गया बी कॉम्प्लीमेंट का वो आ गया 2, 4, 6 और 8। तो ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करेंगे, ए में से माइनस करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट, ए का जो सेट है वो बराबर है 2, 4, 6 और 8 के, उसके बाद माइनस लगाएंगे, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट का जो जवाब आ गया वो रखेंगे। तो 2 और 4 और 6 और 8 रख दिया, 2 और 4, 6, 8 देखा जाए तो दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं। तो जवाब आ गया, इस सेट का जो जवाब आ गया वो आ गया नल सेट, नल सेट की सूरत में ए कॉम्प्लीमेंट ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट का जो जवाब आ गया वो आ गया नल सेट की सूरत में। तो इसी तरह आगे एक और प्रॉब्लम है, वो करते हैं। तो मैं आपको यही समझा देता हूं, आपके लिए ए कॉम्प्लीमेंट ट्राइंगल बी। तो यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट हल करेंगे उसके साथ बी को। तो सबसे पहले मैं यही साफ कर रहा हूं, ए के जो सेट थे 2, 4, 6, 8, उसके बाद बी के जो सेट थे वो थे 1, 3, 5, 7 और 9। तो इसी तरह हम सबसे पहले यू के सेट थे कौन कौन से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी मालूम करना है यहाँ पे। तो बी कॉम्प्लीमेंट सॉरी सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे यू माइनस ए। तो यू माइनस ए तो कैसे करेंगे, यू माइनस ए तो सबसे पहले यू करेंगे, यू के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 आ गया, उसके बाद 8 और 9 आ गया, उसके बाद माइनस आ गया, उसके बाद ए सेट, ए सेट इसके बराबर है 2, 4, 6 और 8 के। तो यहाँ पे 2, 4, 6 और 8 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जो जवाब आ गया ए कॉम्प्लीमेंट का वो आ गया 1, 3, 5, 7 और 9। इसी तरह अब क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट ट्राइंगल बी। तो यहाँ पे सबट्रैक्शन की निशानी है, ये कॉम्प्लीमेंट
उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट का जवाब आ गया 1, 3, 5, 7 और 9। तो माइनस यहाँ पे ये चेक करेंगे, उसके बाद बी बराबर है 1, 3, 5, 7 और 9। तो यहाँ पे दोनों देखा जाए तो अगर कैंसिल होते हैं एक जैसे दोनों सेट में, इस ट्रायंगल का यहाँ पे मकसद है दोनों सेट में अगर जो एलिमेंट बचा है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहले सेट में भी कोई एलिमेंट नहीं है, दूसरे सेट में भी कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसी तरह हम ए कॉम्प्लीमेंट ट्रायंगल बी के जो जवाब आ गया वो आ गया नल से। तो इसी तरह मैंने यहाँ तक प्रॉब्लम किए, क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए होमवर्क है। तो सब असाइनमेंट में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के जो जो प्रॉब्लम्स मैंने किए, जो नहीं किए वो आपके लिए सारों के लिए असाइनमेंट है। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।